क्या नाम है आपका? शुभम आनंद सिंह। शुभम जी, क्या मामला था? अमित जायसवाल जी और उनकी माता जी कहीं से ये वायरस उन्हें इन्फेक्ट कर गया। कुछ दिन उन्होंने यहाँ अपना ट्रीटमेंट लिया, जब हालत उनकी ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने हॉस्पिटल के लिए वो दिया। उन्हें बेड मिले नियति में मथुरा, वहाँ वो एडमिट हुए। कुछ दिन जूझते रहे लेकिन लास्ट में वो जंग हार गए। बीजेपी के साथ उनका कैसा सपोर्ट था? बीजेपी से तो बहुत गहरा उनका प्रेम था, यहाँ तक का कि माँ बेटे दोनों ही मतलब हर तरीके से बीजेपी के लिए समर्पित थे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनका, जिसमें कोई रैली हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो या किसी भी तरीके से बीजेपी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। इलाज में क्या उनको कोई कमी आई है? हाँ, इलाज में प्रॉब्लम हुई थी, जैसे ऑक्सीजन समय पर ना मिलना और बीच में उन्हें उनकी माताजी को प्लाज्मा के लिए दिक्कत हो गई थी, बाद में मिला बड़ी जद्दोजहद के बाद। ऐसे ही अमित जी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें मिला था लेकिन फिर भी काम नहीं आया कुछ। उन्होंने सरकार से ट्विटर पर गुहार लगाई थी? हाँ जी, लगाई थी। योगी जी और मोदी जी दोनों से ही ट्विटर पे पोस्ट किया था उन्होंने, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्या उसको कोई मदद नहीं मिल पाई से? नहीं। उसके बाद में उनके पारिवारिक जनों में कैसा सरकार के प्रति कितना क्या है? अब उनके परिवार में उनकी बहन है, उनकी वाइफ है, वाइफ उनकी मैनपुरी की हैं, सन्नी नाम था उनका, तो वो तो उनके बाद अभी यहाँ नहीं आई हैं, लेकिन उनके घर पे उनकी बहन आई थी जो अभी यहाँ रह रही थी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.